गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। टॉपिक चल रहा था हमारा डिफेक्ट। डिफेक्ट दो प्रकार का बताया था, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। तो हमने टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट के ऊपर बात चल रही थी। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार का है, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट मेनली 3 टाइप्स का है। फर्स्ट है स्टेच्योमेट्री डिफेक्ट, मैट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा है नॉन स्टेच्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तीसरा है अपना इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। नहीं तो देखिए, सबसे पहले हम स्टेच्योमेट्री डिफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि स्टेच्योमेट्री होता क्या है, ठीक है ना। स्टेच्योमेट्री डिफेक्ट होता क्या है, तो देखिए स्टेच्योमेट्री डिफेक्ट ये बताएगा है कि कोई अरेंजमेंट है, कोई भी अरेंजमेंट हो, उस अरेंजमेंट में से, क्योंकि डिफेक्ट तो कब होगा जब उसमें कोई ना कोई मिसिंग पॉइंट हो जाए, यानी कि कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई पॉइंट पार्टिकल मिस हो जाए। तो देखिए आपने ये याद रखना है, मान लो कि छोटी सी अरेंजमेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है आपकी, आई बस है। तो देखो छोटी सी अरेंजमेंट ले ली आपने, एक में कैटायन है यानी कि पॉजिटिव आयन है, एक में एनायन है, ठीक है। तो कैटायन एनायन आपस में क्या है, एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, तो तभी तो सॉलिड पार्टिकल है कोई ना कोई, ठीक है। और कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन होते हैं कोई भी अरेंजमेंट हो। तो अब इक्वल नंबर है तो इसका मतलब ये क्या है कि अपनी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि इसमें तो कोई डिफेक्ट है ही नहीं, ठीक है। जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं वो परफेक्टली है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको पता चल गया कि इसमें से कोई ना कोई मिस होगा। तो आप मान लेते हैं कि देखो ये तो क्या कहलाती है, लैटिस साइट भाई, ठीक है, लैटिस साइट, तो लैटिस साइट कहलाती है। और ये जो गैप बचता है वो इंटरस्टिशियल साइट कहलाता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट कहलाता है। तो देखो लैटिस साइट के ऊपर यदि पार्टिकल प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वो सही अरेंजमेंट है, यानी परफेक्टली अरेंजमेंट है। और यदि ये पार्टिकल यानी ये कैटायन और एनायन कोई भी मिस हो जाए फ्रॉम देयर लैटिस साइड से, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफेक्ट। अब स्टेच्योमेट्री डिफेक्ट क्या है, तो ये कहता है कि जो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन है वो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो सॉलिड है आपके पास, उस अरेंजमेंट के अंदर क्या है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रहने चाहिए, रिमेन्स, ठीक है। तो द डिफेक्ट कहता है द डिफेक्ट अराइज इन द क्रिस्टल, लिख दो, ठीक है, इन द क्रिस्टल, व्हेन द रेशियो कैसको हो, रेशियो बिटवीन द कैटायन एंड एनायन रिमेन्स द सेम, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन रहने चाहिए इसके अंदर। तो इस प्रकार का डिफेक्ट क्या बोलते हैं, स्टेच्योमेट्री डिफेक्ट, ठीक है। तो याद रखोगे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट। तो स्टेच्योमेट्री डिफेक्ट जो है वो मेनली 2 टाइप्स का है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ क्या है, स्टेच्योमेट्री डिफेक्ट। तो याद रखोगे कौन कौन से 2 टाइप्स हैं, पहला है शॉर्ट की बोलता हूँ भाई मैं तो इसको, ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट, क्या है, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट होता क्या है, तो ये तो मेन यही है कि इट इज़ द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, फ्रॉम देयर लैटिस साइट।
यानी कि जो लैटिस साइट है उससे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिस होने चाहिए, ताकि क्या हो टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है नहीं? क्योंकि आपने ये पढ़ा कि सॉलिड पार्टिकल क्या है, कि जब सोडियम क्लोराइड है सॉलिड स्टेट में है तो ये क्या है, कंडक्टिविटी नहीं शो करता, तो कंडक्टिविटी शो नहीं करता तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करें। यदि इसमें से एक कैटायन यानी कि सोडियम आयन चला जाए तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा। तो इसलिए हम क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन की मिसिंग की बात करते हैं, तो ये स्टोइचोमेट्री कहलाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस टाइप के जो कंपाउंड है वो शो करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ क्या है कि कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड शोविंग शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। तो जो शॉर्ट की डिफेक्ट है वो किस टाइप के कंपाउंड शो करते हैं, तो वो कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो पहला तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, यानी कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो, क्या हो, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा क्या शो करेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। किस चीज़ में डिफरेंस आना चाहिए, मेन सबसे मेन है ये भाई, याद रखना है आपने, इन द साइज ऑफ द कैटायन एंड इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो अब आपसे है ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है, क्या के भाई ये बताओ सोडियम क्लोराइड या सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, इनमें से कौन सा शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है या कौन सा फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। तो अब आपको है ना देखो इसने क्या कहा, स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, तो इनके बीच में साइज का जो गैप है वो बहुत कम है और इनके साइज में लार्ज डिफरेंस है, तो इसका अलावा ये मेनली क्या शो करेगा, शॉर्ट के डिफेक्ट शो करेगा, और ये क्या शो करेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो दूसरा टाइप है भाई, ये तो एक टाइप पढ़ लिया शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है, और दूसरा टाइप है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट, याद रखना है आपने, हर साल लगभग पूछे जाते हैं इनके बारे में, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट अब आपको पता चलेगा कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन तो मिस होंगे क्योंकि स्टोइचोमेट्री डिफेक्ट है, ठीक है, बट लेकिन स्पेशली कहते हैं कि स्पेशली कैटायन मिस होना चाहिए फ्रॉम देयर लैटिस साइड से। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इट इज द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द मिसिंग ऑफ आयंस कहते हैं, ठीक है, आयन स्पेशली विशेष तौर पर किस लिए यूज करते हैं, कैटायन मिस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैटायन, ठीक है, फ्रॉम देयर लैटिस साइड में। तो लैटिस साइड से क्या होना चाहिए, कैटायन मिस होना चाहिए, ठीक है। तो कैटायन मिस हो गया तो एनायन रह गया, एनायन रह गया तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कैसे करेगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अब हम क्या करेंगे, कोई ना कोई सब्सटेंस है इसकी जगह पर ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि एंड इट ऑक्यूपाई द कहाँ चले जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट, कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है नहीं, यानी कि सो दैट, ताकि वो क्या कर सके, सो दैट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। तो अब आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन जरूरी है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वहाँ से हटके, यानी कि अपने जो लैटिस साइट है, लैटिस साइट में से कैटायन मिस हो जाएगा, ठीक है, कैटायन मिस हो जाएगा और इंटरस्टिशियल यहाँ से खाली हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा,
तो इसका कैटायन और एनायन तो बराबर है इस सोलिड के अंदर, लेकिन वो अपने लेफ्ट साइड से मिस हो गया और कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइड पर। तो इंटरस्टिशियल साइड पर चला गया तो इसका अलग क्या है, ये डिफेक्ट है। और कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या कहलाएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट। अब देखो किस टाइप के सब्सटेंस हैं, कौन से टाइप्स ऑफ कंपाउंड शोविंग। तो कंपाउंड शोविंग कौन से टाइप के सब्सटेंस हैं जो फ्रेंकल डिफेक्ट को शो करते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट को शो करते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट को, ठीक है। तो अब पहली कंडीशन वही, उसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर था, इसमें क्या होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या था कि जो डिफरेंस है साइज में वो क्या होना चाहिए था, स्मॉल। इसमें क्या होगा, लार्ज डिफरेंस। क्या होगा, लार्ज डिफरेंस, ठीक है, लार्ज डिफरेंस इन द साइज, इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, कैटायन एंड एनायन। दूसरा आपने याद रखना है कि इनमें डेंसिटी भी के अंदर भी डिफरेंस पूछा जाता है। तो अब देखो मास बाय वॉल्यूम है, डेंसिटी तो इसी के बराबर होती है, इसमें ना तो मास कम होता ना वॉल्यूम, तो डेंसिटी डज नॉट अफेक्ट, ठीक है, डेंसिटी रिमेन्स सेम। तो इसके अंदर क्या है, रिमेन्स सेम, डेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। बट लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट था, इसमें कैटायन एंड एनायन मिस हो जाएंगे फ्रॉम द रिलेटिव साइड से, इंटरस्टिशियल साइड में भी प्रेजेंट नहीं है तो मिस हो जाएंगे। तो इसका अलावा क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा कि डेंसिटी क्या है, मास बाई वॉल्यूम, मास कम हो जाएगा वॉल्यूम सेम रहेगा, तो इसका अलावा क्या आ जाएगा, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है। तो डेंसिटी कम हो जाएगी तो डेंसिटी डिक्रीज आ जाएगी, ठीक है, याद रखोगे दोनों।